हिंदी व्याकरण क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने विलोम शब्द पर हम लोगों ने ध्यान दिया था। विलोम शब्द कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ शब्दों को हम लोग उपसर्ग में परिवर्तन करके विलोम बनाते हैं और कुछ बिल्कुल भिन्न तरीके के विलोम शब्द होते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 50 शब्द ऐसे शब्दों को देखा था जिसमें उपसर्ग लगाकर हमने विलोम बनाया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग कुछ और शब्दों पर ध्यान देंगे। अनुराग का विलोम होता है विराग, आगत का अनागत, अनुकूल प्रतिकूल, अतिवृष्टि अनावृष्टि, आदान प्रदान, उत्कर्ष अपकर्ष, उत्कृष्ट निकृष्ट, आस्तिक नास्तिक, मान अपमान, यश अपयश, सद्भाव विधवा, संपन्न विपन्न, सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन, सदाचार दुराचार, सपूत कपूत, सबल निर्बल, सरस नीरस, सुगंध दुर्गंध, सुबोध दुर्बोध, सुमार्ग कुमार, सुलभ दुर्लभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, अकाल सुकाल, सनाथ अनाथ। आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात, कपट निष्कपट, कर्म अकर्म, न्याय अन्याय, दृश्य अदृश्य, गमन आगमन, धनी निर्धन, सार्थक निरर्थक, साक्षर निरक्षर, सामीस निरामीस, पक्ष विपक्ष, स्वतंत्र परतंत्र, जय पराजय।
पवित्र का विलोम शब्द होता है अपवित्र, मंगल अमंगल, राग विराग, लिखित अलिखित, श्रद्धा अश्रद्धा, सकर्मक अकर्मक, सगुण निर्गुण, स्वदेशी विदेशी या परदेशी, स्वाधीन पराधीन, सम का विषम, हित का अहित, हिंसा का अहिंसा। इस प्रकार हमने पिछले क्लास में 50 और आज 50 पूरे 100 शब्दों का विलोम शब्द को देखा। इसे आप अच्छी तरह नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगले कक्षा में फिर हम लोग और शब्दों को लेकर, उसके विलोम रूप को लेकर उपस्थित होंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद।